First of all, that blows my mind. A million miles into the cosmos. 12th July 2022, इंसान के इतिहास का वो दिन जब पूरी दुनिया ब्रह्मांड की असल गहराइयों से वाकिफ हुई। इंसान के इतिहास का वो दिन जब उसे फाइनली एलियन स्पीशीज के एग्जिस्टेंस का पता चला। आज से 6 महीने पहले लॉन्च किए गए जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हाल ही में हमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीरें भेजी है। ऐसी तस्वीरें जिसने फाइनली ब्रह्मांड के कई रहस्यों की गुत्थी को सुलझा कर रख दिया। एंड आज इस वीडियो में हम बिल्कुल उन्हीं तस्वीरों और उनके पीछे मौजूद विज्ञान के सच को समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस गेट राइट इनटू आवर टुडेस वीडियो। सो ये है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की पहली तस्वीर। अब इसे देखकर आई नो यू वुड से कि ऐसी तस्वीरें तो हर कोई टेलीस्कोप खींचता है, इसमें अलग क्या है। वेल, ये तस्वीर है आज तक की सबसे पुरानी और सबसे फर्स्ट फॉर्म हुई गैलेक्सी की। 13.1 बिलियन ईयर्स पुरानी गैलेक्सी। अब उस गैलेक्सी का नाम क्या है ये तो उन्होंने अभी तक रिवील नहीं किया, लेकिन इस हजारों गैलेक्सीज के भरे इस इमेज को उन्होंने नाम जरूर दिया है, और वो नाम है गैलेक्सी क्लस्टर SMACS 0723। अब माइंड यू, आप उस इमेज में जो यूनिवर्स का स्लाइस देख रहे हो ना, वो स्लाइस रियलिटी में कंप्लीट यूनिवर्स का सिर्फ और सिर्फ एक चावल के दाने जितना बराबर हिस्सा है, और इतने से हिस्से में ही 5000 से भी ज्यादा गैलेक्सी स्थित है। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ साल पहले जब गैस और डस्ट क्लाउड स्टार्स में कन्वर्ट हो रहे थे, कोएलेस हो रहे थे, और यूनिवर्स में सबसे पहली लाइट फॉर्म हुई, उस पल से ही लाइट ने भी स्पेस यात्रा शुरू की थी। एंड फाइनली लाखों करोड़ों और अरबों माइल्स पार करने के बाद 6 महीने पहले वेब टेलीस्कोप तक आ पहुंची। अब इस फोटो को खींचना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि नॉर्मल टेलीस्कोप में यूज होने वाले कैमरास सिर्फ ब्राइट ऑब्जेक्ट पर ही फोकस करते हैं, और इसीलिए उन्होंने एक न्यू सिस्टम या कह लो कैमरा को यूज किया, NIR कैम। NIR कैम बेसिकली यूनिवर्स में मौजूद ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट की रोशनी को ब्लॉक करके अपना पूरा फोकस डिमर ऑब्जेक्ट्स पर रखता है। जस्ट लाइक किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम अपने हाथों से कैसे अपने आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं। बट देयर्स अ कैच ओवर हियर। जब भी कोई भी टेलीस्कोप या कैमरा यूनिवर्स की फोटो लेता है, तो हैव यू वंडर्ड कि उसमें ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के अराउंड ऐसे स्पाइक्स क्यों होते हैं? वेल, बेसिकली दीज स्पाइक्स आर कॉल्ड डिफ्रैक्शन स्पाइक्स। एक्चुअली कोई भी ब्राइट लाइट सोर्स डिफ्रैक्शन स्पाइक्स रेडिएट करती है, जो फोटोग्राफ्स में या स्ट्रीट लाइट्स को देखते वक्त विजुअली भी हमें दिखाई देती है। अब इसे यूजुअली स्टार बर्स्ट इफेक्ट या फिर सन स्टार्स भी कहा जाता है। बट यहां पर बात यह है ना कि हम जो स्पाइक देख पा रहे हैं वो असल में एक इल्यूजनल स्पाइक है। Well, that's because as we know it, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेबल रखने के लिए उसमें सपोर्टिंग आर्म सिस्टम लगाया जाता है, जो उस चीज को स्टेबल रख पाए, और बस इसी तरह टेलीस्कोप के सेकेंडरी मिरर और इंस्ट्रूमेंटल पैकेजेस को होल्ड करने के लिए टेलीस्कोप में भी एक मेटल सपोर्ट आर्म सिस्टम फिट किया जाता है। और फिर जैसे ही लाइट यानी कि रोशनी सिस्टम पर गिरती है, वैसे ही लाइट बेंड होकर उस सरफेस से डिफ्लेक्ट हो जाती है, और यही डिफ्लेक्शन हमें एज अ स्पाइक देखने को मिलता है। नाउ, हमने स्टार्स को एक्चुअली स्टार शेप कैसे मिला ये तो समझ लिया। अब बढ़ते हैं JWST के दूसरे सबसे चौंकाने वाले डिस्कवरी पर, एक ऐसा एक्सोप्लैनेट जिस पर एलियन मिलने के चांसेस 90% है। यस, यू हर्ड दैट करेक्ट। और वो इमेज है ये, द स्पेक्ट्रम ऑफ द गैस जायंट प्लैनेट WASP-96b। ये प्लैनेट अर्थ से 1150 लाइट ईयर्स दूर है, और ये आज तक का किसी भी एक्सोप्लैनेट का लिया हुआ फर्स्ट स्पेक्ट्रम है। बेसिकली एक स्पेक्ट्रम प्लैनेट के अलग अलग पार्ट्स पर मौजूद मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करता है, जो ये दर्शाता है कि क्या प्लैनेट पर वाटर, ऑक्सीजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मॉलिक्यूल्स जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, वो उस प्लैनेट पर मौजूद है कि नहीं। अब जब इस प्लैनेट का सबसे पहला वेवलेंथ स्पेक्ट्रम फाइंड किया गया, तब उसमें यह पता चला कि इस प्लैनेट पर वाटर वेपर के ट्रेसेस ज्यादा है, और जैसे कि हमें पता है जहां पर पानी ज्यादा होगा वहां पर जीवन की संभावना बढ़ जाती है। और बस यही कहना साइंटिस्टों का भी है, और फर्दर स्टडीज करने के बाद बाकी सारे एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स मिलने के चांसेस भी 90% है यहां पर। तो फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि मार्स और टाइटन के साथ साथ WASP-96b भी ह्यूमन लाइक क्रीचर के लिए एक हैबिटेबल प्लैनेट बन सकता है, या फिर ऑलरेडी है। 90% chance, right? Well, जहां पर एक तरफ रियल लाइफ फॉर्म हो रही है, वहीं पर दूसरे तरफ जेम्स वेब को मिला ये थर्ड इमेज, एक मरते हुए स्टार को दर्शाने वाला इमेज जो पृथ्वी से 2000 लाइट ईयर्स दूर है। अब मरता हुआ स्टार सुनके काफी सारे लोगों के दिमाग में एक धमाका आया होगा, राइट? लेकिन
यहाँ पर आप स्लाइटली गलत हो। हर केस में ऐसा नहीं होता है। आमतौर पर ऑर्डिनरी स्टार्स जैसे कि हमारा सन अपने फाइनल स्टेज ऑफ एवोल्यूशन में पहुंचने के बाद धीरे धीरे कई करोड़ों सालों तक अपने अंदर के मास को इजेक्ट करने लगता है और यही प्रोसेस हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। इस इमेज में दिखाई दे रही हर एक लेयर ये रिप्रेजेंट करती है कि स्टार ने उस लेयर में इतना मास इजेक्ट किया है। जो स्टार से सबसे क्लोज है वो उसका मोस्ट रिसेंट इजेक्शन है। And now, as we all know, किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हुई लाइट को अर्थ तक पहुंचने में काफी सारे साल लग जाते हैं, तो उस हिसाब से शायद अब तक ये स्टार एक व्हाइट ड्वार्फ में तब्दील हो भी चुका हो सकता है। और ऐसा ही कुछ हमारे सन के साथ भी 5 बिलियन साल बाद होने वाला है। लेकिन ऑफ कोर्स शायद उस वक्त तक अगर हम ह्यूमन स्पीशीज एडवांस बन जाए तो हम किसी दूसरे सोलर सिस्टम में अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके होंगे। अब ऐसे यूनिवर्स में कोई भी इवेंट होने के लिए लाखों करोड़ों साल लगते हैं और इसीलिए हमें ऐसा फील होता है कि यूनिवर्स रुका हुआ है, थमा हुआ सा है। बट एक्चुअली मैं यू विल बी क्वाइट सरप्राइज टू नो कि हमारा यूनिवर्स कॉस्मिक डांस करते रहता है। और यही है एग्जैक्टली हमारा फोर्थ इमेज, जिसमें सबसे लेफ्ट मोस्ट गैलेक्सी 40 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। एंड नाउ कंपेयर दैट टू अदर फोर गैलेक्सीज, जो गैलेक्सीज 290 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। अब एक नॉर्मल टेलीस्कोप एक इमेज फॉर्म करने के लिए मोस्टली 10 टू 20 इमेजेस को कैप्चर करता है, लेकिन इस इकलौती इमेज को बनाने के लिए टोटल 1000 इमेजेस को सेपरेटली कैप्चर किया गया और फिर उन सभी इमेजेस को मर्ज करके इस इमेज को बनाया गया। ये इमेज बेसिकली हमें ये बता रही है कि दोनों गैलेक्सीज कैसे एक दूसरे से कोलाइड होकर एक ह्यूज शॉक वेव फॉर्म कर रहे हैं। काइंड ऑफ साइफाई सा, राइट? व्हिच इज नथिंग बट ये ऑरेंज कलर जो आपको दिखाई दे रहा है ना। साइंटिस्टों का कहना है कि इसमें गैलेक्सीज के साथ साथ ब्लैक होल, जिसका मास हमारे सन से 29 मिलियन टाइम्स ज्यादा है, वो तक बड़े ही डिटेल में दिखाई दे रहा है। अब इस इमेज में ब्लैक होल को देखने की कोशिश हमने तो बहुत की लेकिन हमें नजर नहीं आया, बट अगर आपको नजर आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अलास फ्रेंड्स, बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमें दिखाई स्टार्स के चाइल्डहुड यानी बचपन की एक तस्वीर। एक्चुअली ये एक नेब्यूला के अंदर मौजूद एक गैशियस कैविटी का एज है जो अराउंड 7 लाइट ईयर्स यानी कि तकरीबन 66,225 करोड़ किलोमीटर जितनी हाई है। और ये विशाल माउंटेन्स बने हैं नेब्यूला से रेडिएट हुए हॉट आयोनाइज्ड गैसेस से। ये इमेज साफ साफ स्टार फॉर्मिंग रीजन को दर्शा रहा है। और ये है जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा निकाली हुई एक और एक इमेज, जिसे हबल स्पेस टेलीस्कोप ऑलरेडी कैप्चर कर चुका था और ये काफी इंपॉर्टेंट इमेज है। दरअसल बात ये है ना कि डिस्टेंट गैलेक्सीज और यूनिवर्स के फॉर्मेशन की खोज की शुरुआत साल 1919 में ही हो गई थी, जिसके लिए हबल स्पेस टेलिस्कोप को लॉन्च किया गया था, जिसकी मदद से साइंटिस्ट को एज ऑफ द यूनिवर्स, रेट ऑफ इट्स एक्सपेंशन और उसके साथ ही ब्लैक होल, मून्स और एक्सोप्लैनेट जैसे कई सेलेस्टियल बॉडीज की खोज करने में मदद मिली। लेकिन इस टेलिस्कोप का एक ड्रॉबैक था, कैप्चर की हुई सारी इमेजेस ब्लर होकर साइंटिस्टों तक पहुंच रही थी, जिससे कि साइंटिस्ट कुछ खास कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पा रहे थे। और इसीलिए इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए साल 2021 में जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था। सो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इज बेसिकली द सक्सेसर टू हबल स्पेस टेलीस्कोप और ये उससे एक्सपोनेंशियली मोर पावरफुल और सोफिस्टिकेटेड है। इसके मिरर्स हबल स्पेस टेलीस्कोप के मिरर से 6 गुना ज्यादा बड़े हैं और इसीलिए ये टेलीस्कोप यूनिवर्स की वास्टनेस को बड़े आसानी से दुनिया के सामने पेश कर पा रहा है। 13.2 बिलियन सालों पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप के कैप्चर किए हुए इमेजेस की गुत्थी तक इसने सॉल्व कर दी है। और वो इमेज जहां पर हबल अटक गया था, वो इमेज ये है, एक्सट्रीम डीप फील्ड, एक ऐसी इमेज जिसमें 5000 से भी ज्यादा गैलेक्सीज विंडोज पर क्रिएट हुए ड्रॉपलेट्स की तरह दिखाई दे रहे हैं। वेब ने हबल के इस ब्लरी विजन को 12 घंटों के अंदर ही ऑब्जर्वेशन करने के बाद क्लियर व्यू दिया और दुनिया के सामने एक परफेक्ट इमेज के रूप में पेश किया। और इस ओवरऑल फोटो के अंदर ये है 13 बिलियन लाइट ईयर्स दूर GNZ-11 गैलेक्सी। और नाम भले ही इसका इतना फ्लैशी ना हो, पर ये अब तक की खोजी गई सभी गैलेक्सीज में से वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट और डिस्टेंट गैलेक्सी मानी जाती है, क्योंकि अगर यूनिवर्स के फॉर्मेशन की बात करें तो यूनिवर्स को फॉर्म हुए आज तकरीबन 13.8 बिलियन साल हो चुके हैं और GNZ-11 हमारे अर्थ से तकरीबन 13 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। अब नासा वालों ने तो बेसिकली इसका डिस्टेंस बता दिया, लेकिन कई साइंटिस्टों का ये तक मानना है कि ये 13 बिलियन नहीं बल्कि 13.2 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। एंड द रीजन दे गेव इज, जब तक इस गैलेक्सी की लाइट
हम तक पहुंचती है यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से, वो बहुत ही ज्यादा खींच जाती है। और इसीलिए एक परफेक्ट इमेज पाने के लिए साइंटिस्टों को रेड शिफ्ट को मद्देनजर रखते हुए इमेज को प्रोसेस करना होगा। और इसी फिनोमिनन की मदद से एक और एक इमेज जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कैप्चर की, और वो इमेज थी 2 मास J17554042 +65512277। नाम काफी अजीब लग रहा है, राइट? Well, ये नाम इसे कोऑर्डिनेट्स के नाम पर दिया गया है, और इसे आसान भाषा में आप रेड जायंट भी बुला सकते हो। ये स्टार हमारे सन से 2000 लाइट ईयर्स दूर है, जिसे हम किसी भी बेसिक टेलीस्कोप की मदद से स्पेस में इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं। ये स्टार एक ऐसा रेड जायंट है जो वक्त के साथ साथ कंप्लीटली इवॉल्व हो चुका है और अपने एवोल्यूशन के फाइनल स्टेजेस पर पहुंचा है। एंड दैट मींस व्हाट? Well, वो कभी भी फट सकता है, पर पॉसिबिलिटी ये भी है कि स्टार से निकली हुई लाइट टेलीस्कोप तक पहुंचे उसके पहले ही ये बूम किसी ब्लैक होल में फॉर्म हो चुका होगा और उसके आसपास एक प्लैनेटरी नेब्यूला बन चुका होगा। सो यहां पर भी, इस कहानी पर भी जेम्स वेब टेलीस्कोप की नजर रहने वाली है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये तो बस जेम्स वेब की कैपेबिलिटीज का एक ट्रेलर है, और ये ट्रेलर तो 6 महीने पहले लिया गया था। सो जस्ट सोचो, यूनिवर्स में और कितने राज हैं, कितनी स्टोरीज हैं जो आसपास चीजें हो रही है, वो सब हम तक आगे भी ये टेलीस्कोप पहुंचाने वाला है। बहुत जल्द शायद ये बिग बैंग के राज को भी खोल देगा। आपका इस बात पे क्या कहना है? एंड फाइनली फ्रेंड्स, डोंट यू थिंक ये मॉडर्न साइंस के लिए एक बहुत ही बड़ा विजय है? लाइक हबल स्पेस टेलीस्कोप में कुछ प्रॉब्लम्स थे, हमने उसको फिक्स किया और हमने न्यू टेलीस्कोप को भेजा, और अब वो इतने मैसिव लेवल के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। इस तरह के सक्सेसेस को देखकर मेरा साइंस पर भरोसा और भी ज्यादा बढ़ने लगता है, आपका नहीं क्या? And with that said, friends, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। Get Set Fly Science चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले अब आपकी बारी है इस वीडियो नॉलेज को यूज करने की और पैसे कमाने की। क्विज़ी पर जाके क्विज खेलो, और क्या इस वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज क्रॉस होंगे, इस पर आप अपना ओपिनियन दो। डाउनलोड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स डू क्विज़ी। See you next time. Till then, as always, stay curious, keep learning, and keep growing. Jai Hind!